सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों SVG ये जो है बहुत ही ज़्यादा आप लोग देखते होइएगा। रीज़न ये है कि जब भी इंटरनेट पे कोई चीज़ ब्राउज करते हैं आपके सामने आता है इमेज और वहाँ पे जब जो आप उसका जो एक्सटेंशन देखते हैं तो वहाँ पे मिलता है आपको SVG। तो बहुत सारे एक्सटेंशन देख चुके हैं लेकिन SVG क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है और कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये SVG के बारे में कम्प्लीट डिटेल जानिए, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है इसी फॉर्मेट पे काम करने वाला है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। देखिए SVG का मैं फुल फॉर्म बता दिया, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा ग्राफिक्स, ऐसा वेक्टर ग्राफिक्स जिसको स्केल अप किया जा सकता है, मतलब कि उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है लेकिन क्वालिटी चेंज ना हो। चलिए अब मुद्दे की बात मैं समझाता हूँ कि कैसे SVG जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी अगर आप कोई फॉर्मेट इमेज कर लीजिए, चाहे PNG ले लीजिए, इसके बाद चाहे JPEG ले लीजिए या अदर कितने भी इमेज फॉर्मेट हैं वो सारे को उठा लीजिए और अगर उसको जैसे ही जूम कीजिएगा क्या होगा, इमेज का क्वालिटी बेकार हो जाएगा और घटिया लगेगा दिखने में। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जैसे स्क्रीन का डिवाइसेस जो है बहुत सारा होता है, मोबाइल भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है, TV भी हो सकता है, बिग स्क्रीन भी हो सकता है। तो अब तो यहाँ पे ये हाल हो गया है कि टेक्स्ट को तो चलिए जूम कर सकते हैं लेकिन इमेज के फॉर्मेट को नहीं, जो इमेज है उसका क्वालिटी नहीं इन्हेंस हो सकता है। जो अपलोड हो जाएगा वही अगर बड़ा स्क्रीन पर रहेगा तो फटाफटा दिखेगा, अच्छा दिखेगा नहीं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा फॉर्मेट जिसके बारे में ये वीडियो बनाया हूँ वो है SVG, अगर इस फॉर्मेट में आपका इमेज है तो चाहे कितना बड़ा जूम कर लीजिए आप, जो इमेज रहेगा उसको 1000 टाइम्स मतलब इतना गुना ज़्यादा भी अगर बड़ा करते हैं तब भी इमेज का क्वालिटी सेम टू सेम रहेगा, है ना दोस्तों कमाल की चीज़। एक्चुअली क्या है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है ये वेक्टर में कन्वर्ट करता है ग्राफिक्स को और इसके अनुसार जो है ये परसेंटेज पे वो वर्क करता है। मतलब ये होता है कि जो इमेज है वो आपका स्केलेबल हो जाएगा। और दोस्तों आप जनरल इमेज को जैसे देखिए, आपको एक चीज़ मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप फ्लिपकार्ट पे जाइए या अमेजन पे जाइए तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इमेज हैं जो साइज में छोटे रहते हैं, उसको राइट क्लिक कीजिए और व्यू इमेज इन नेक्स्ट टैब कीजिएगा। इतना तो आप लोग समझते हैं, टेक्निकल है तो इतना तो जरूर आता होगा। तो वहाँ पे जब इमेज दिखेगा ना तो छोटा सा दिखेगा और उसका साइज पता है क्या रहेगा, मुश्किल से 5KB, बहुत हो गया तो 10KB। और दोस्तों वो जो आप अमेजन के जितने बड़े स्क्रीन पे देखिएगा वहाँ पे उसका जो क्वालिटी है थोड़ा भी नहीं कम होता है, इमेज जो है एकदम हाई क्वालिटी का लगता है। तो इस चीज़ पे मैं फोकस किया, फिर मैं सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करूं, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया था कि आप भी SVG के बारे में जानिए। अगर आप फ्यूचर में अगर वेब डेवलपमेंट के फील्ड में या इंटरनेट पे अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो ऐसे कंडीशन वेबसाइट लोड होने के लिए अगर HD क्वालिटी का इमेज रखिएगा तो वो चला जाएगा 3MB, 4MB, 5MB में। सोचिए दोस्तों जब वो डाउनलोड होगा यूजर के मोबाइल में तो कितना स्लो हो जाएगा आपका वेबसाइट। और ऐसे में आप इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज यूज़ कीजिएगा जहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने कंप्लीट किसी पे भी कहीं भी आप सेंड करने के लिए SVG का यूज करते हैं उस फॉर्मेट इमेज को, तो दोस्तों आपका बहुत से बहुत ज़्यादा जाएगा, 10KB, 15KB, बहुत अच्छा क्वालिटी का तो 15KB से ज़्यादा नहीं जाता है, रेयर केस में बहुत ज़्यादा है। मतलब समझ सकते हैं ना कि कितना रेशियो है, डिफरेंस कितना ज़्यादा रहता है, कहाँ 10KB कहाँ 5-6MB रहता है, इतना ये हो गया। दूसरी बात है कि जितने भी लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर आ रहा है वो फॉर्मेट जो है SVG को सपोर्ट कर रहा है। और इवन कि आप जो क्लिक करते हैं, आप अपने जो फोटो है जैसे मोबाइल से लेते हैं तो ये तो मान लीजिए PNG या JPEG में या अदर फॉर्मेट में करता है लेकिन SVG में नहीं करेगा। तो इसको आप जो है कन्वर्ट भी कर सकते हैं SVG के रूप में, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल रहते हैं। और नहीं तो मैं हमेशा से इंक स्केप के बारे में बताया हूँ, वो जो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप वहाँ पर जो है डायरेक्ट सेव करिएगा तो SVG का फॉर्मेट में होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई सवाल सुझाव तो कमेंट्स में जाकर कमेंट कीजिए। और साथ साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आप चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों आपका दिन शुभ रहे।